विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा पर्व की शुरुआत हो चुकी है और आज दूसरी बड़ी रस्म यहां पर अदायगी की गई है। इस वक्त हम मौजूद हैं जगदलपुर शहर के सिरासार भवन में, जहां आज विश्व प्रसिद्ध दशहरा पर्व की दूसरी रस्म अदा की गई, जिसे डेरी गड़ई रस्म कहा जाता है। आप मेरे सामने एक जो देख रहे हैं, ये लकड़ी, ये कोई सामान्य लकड़ी नहीं है, ये विशेष गाँव से मंगाई गई, बिरिंगपाल से सराई की लकड़ी है। दरअसल नियम ये है कि यहाँ पर दशहरा के शुरुआत होने पर दूसरी जो रस्म अदायगी की जाती है उसे डेरी गड़ई रस्म कहा जाता है, और इसके तहत एक लकड़ी को यहाँ पर गाड़ा जाता है और गाड़ने से पहले विधिवत यहाँ पूजा पाठ की जाती है, और उसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं इस गड्ढे में मुंगरी मछली डाली गई है, जो डेरी कहा जाता है इसे यहाँ गाड़ा जाता है। करीब अब बस्तर दशहरा समाप्त होते तक ये जो डेरी गड़ई है यहाँ पर गड़े रहेगी, और इसके बाद से जो रथ निर्माण का कार्य है वो शुरू किया जाता है, और करीब 8 चक्कों का विशाल काय रथ बनाया जाता है। और इसके लिए अब नियमानुसार जो गांव से लकड़ियां लाने की परंपरा शुरू होगी। आप देख सकते हैं कि मेरे बाएं हाथ में भी एक डेरी गड़ई जो लकड़ी है वो गड़ी हुई है। कुल 2 लकड़ियां यहां पर गाड़ी जाती है और यहां पर इस परंपरा को निभाया जाता है। करीब 400 सालों से ये जो परंपरा है ये चले आ रही है और आज भी अनवरत जारी है। खास बात यह है कि आपको इस तरह की अनोखी रस्म सिर्फ बस्तर दशहरा में ही देखने को मिलेगी, और अब जो रथ निर्माण का कार्य है वो शुरू होगा और यहाँ पर लकड़ियाँ लाई जाएगी। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि आज कौन सी रस्म अदा की गई? आज यहाँ पे दशहरा में जो डेरी गड़ी की रस्म अदायगी गई है, जो रथ निर्माण से पहले की प्रक्रिया है डेरी गड़ी का, वो आज यहाँ पे अदायगी। किस तरह की तैयारी है, क्योंकि 24 सितंबर से दशहरा पर्व शुरू हो रहा है विश्व प्रसिद्ध? पूरी अच्छी तैयारी है, पूरी है ना, पूरी जोर शोर से तैयारी है। मतलब इस बार का जो दशहरा रहेगा 2022 बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा, इसमें कोई शंका नहीं है। तो देख सकते हैं जो यहाँ के टेंपल कमेटी के सचिव ने कहा कि पूरी तैयारियाँ हैं और यहाँ पर दशहरा के लिए तैयारी कर ली गई। ये देख सकते हैं जो महिला है वो अपने हाथ में हल्दी लिए रही हुई है। आप जितने भी यहाँ बस्तर दशहरा के रस्म देखेंगे वहाँ पर ये हल्दी खेलने की परंपरा है, क्योंकि महिलाओं का कहना है कि ये दशहरा की जो शुभ घड़ी मानी जाती है, और इस दौरान पूरी महिलाएँ काफ़ी खुश होकर हल्दी खेलते हैं। कब से आप लोग हल्दी खेल रहे हैं? दशहरा शुरू लग ले दशहरा शुरू होता तब से खेलते हैं। नेमरिन मना क्यों खेलते हैं, क्या अच्छा होता है? क्या अच्छा हुआ है तो माँ दंते शरीर सेवा करूँगा, जय जयकार करके आऊँगा। हम लोग लगाते हैं क्योंकि सर्गीपाल में भी यही नियम है, यहाँ भी यही नियम है। बहुत अच्छा, बहुत धूमधाम नाच डगा होते हैं। अच्छा। और लेके आते हैं माता को वहाँ से, बेलमती को। अच्छा। हाँ। आपको मेमरीन कहा जाता है यहाँ पे? जी जी जी, मेमरीन। तो देख सकते हैं जो महिलाएं हैं उन्हें यहाँ पर मेमरीन कहा जाता है, क्योंकि मेमरीन भी एक मुख्य कड़ी होती है बस्तर दशहरा में। और हल्दी प्रोग्राम जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, खास करके अब ये बेल पूजा में फिर महिलाएं हल्दी खेलेगी, काफ़ी शुभ माना जाता है, माई दंतेश्वरी की आराधना करते हैं, और यही वजह है कि यहाँ पर जो बस्तर दशहरा है आपको खास देखने को मिलेगी। यहाँ हमारे साथ प्रधान पुजारी भी हैं, उनसे बात करेंगे। आज पंडित जी कौन सी रस्म अदायगी की गई? आज जो रस्म है डेरी गड़ई का जो कार्यक्रम है उस पूरी विधि विधान के साथ उसको पूजा कर स्थापित किया गया। इसके बाद जो है रथ बनाने का जो कार्यक्रम है शुरुआत किया जाएगा, रथ का लकड़ी लाया जाएगा, उसके फिर रथ बनाने का कार्यक्रम शुरुआत किया जाएगा। अच्छा, यहाँ पर क्या मुंगरी मछली और अंडा चढ़ाने की भी परंपरा है? ये सब रियासत का समय से सब परंपरा है, जितने भी जो विधि विधान जो कार्यक्रम किया जाता है ये पुरुषोत्तम राजा के ज़माने से शुरू हुआ था। जगन्नाथपुरी जाकर वरदान मिला था कि 4 चक्का रहनी रथ रहेगा, 8 चक्का जो रथ है विजय प्राप्त करेगा, उसी के अनुसार ये कार्यक्रम आज भी शासन द्वारा संचालन किया जा रहा है। कितने सालों से ये परंपरा चली आ रही है? ये रियासत का समय से ही चले आ रहा है, पुरुषोत्तम राजा के जमाने से शुरू हुआ था। इधर दशहरा जो कार्यक्रम में जगन्नाथपुरी जाकर वरदान लिए गए थे दंडवत करते हुए कि 4 चक्का रहनी रहते हैं, 8 चक्का विजय रथ प्राप्त करेंगे, ऐसा माई जी ने उनको वरदान दिया था जगन्नाथपुरी ने, और वहीं से उनका जो कार्यक्रम शुरुआत हुआ था। अब अगली कौन सी परंपरा होगी दशहरा की? अब इसकी जो कार्यक्रम है रथ बनाने के कार्यक्रम शुरू हो जाएगा, रथ बनाने का कार्यक्रम, उसके बाद जो काशी देवी से अनुमति लिया जाएगा, जिसके कारण फिर उसके रथ का जो कार्यक्रम आगे प्रारंभ किया जाएगा। देख सकते हैं कि पंडित जी ने बताया कि यहाँ पर जो बस्तर दशहरा में 12 से अधिक अनोखी रस्म निभाई जाती है, सिर्फ आपको बस्तर में देखने को मिलेगी। आज जो रस्म निभाई गई है डेरी गड़ई, ये दूसरी रस्म बड़ी रस्म कहा जा सकता है। इसके बाद 24 सितंबर को काछनगादी की रस्म अदायगी की जाएगी, और ये रस्म के बारे में हम आपको काछनगादी के दिन बताएंगे कि ये कौन सी रस्म होती है और उसमें किस तरह की परंपरा निभाई जाती है। जो ये रस्म आज अदायगी की गई है, क्या रस्म कहा जाता है और किस तरह की पूजा पाठ की जाती है? देखिए, बस्तर दशहरा में कई विधान हैं, पूजा विधान है, उसमें एक है डेरी गड़ाई। डेरी गड़ाई मतलब डेहरी,
है ना, उस शब्द से डेयरी शब्द बना है। बस्तर दशहरा का जो विशाल रथ तैयार किया जाता है उसके लिए झार उमर गांव और बेड़ा उमर गांव के कारीगरों को, लोहारों को बुलाया जाता है। अब जब कारीगर रथ बनाने के लिए आएंगे अभी मंगलवार को, तो उनको रखने का जगह, उनको ठहराने का जगह भी तो चाहिए ना। तो ये रथ कारीगर जो करीब 150 के संख्या में आएंगे अपने साजो सामान के साथ, उनको ठहराने के लिए जो स्थान चयन किया गया है, निर्धारित किया गया है, वो है सिरासार। तो उन कलाकारों के लिए, उन कारीगरों के लिए जो स्थान के पहले इस जगह को पवित्र करने के लिए जो परंपरा अनुसार जो पूजा अर्चना की गई उसको बोलते हैं डेरी गढ़ाई। फिर मछली और अंडा देने की प्रथा है यहाँ पे बलि में। देखिए बस्तर जो है ये तंत्र मंत्र का गढ़ रहा है और बस्तर दशहरा के केंद्र में यहाँ मावली माता है। बस्तर में रथ चलाने की परंपरा है क्योंकि यहाँ देवी दशहरा मनाया जाता है और देवी का छत्र ही रथ में आरूढ़ किया जाता है, इसलिए बस्तर में रावण वध की परंपरा नहीं है। फिलहाल जो बस्तर दशहरा की शुरुआत हो चुकी है और दो महत्वपूर्ण रस्मों का अदा किया गया है, इस पर्व को मनाने के लिए लोगों में काफ़ी खुशी दिख रही है क्योंकि 3 साल तक कोरोना काल की वजह से बस्तर दशहरा की जो रस्म है उसमें भीड़ नहीं जुट पा रही थी। तो हालांकि ये जो रस्म फीकी जरूर पड़ी थी, लेकिन अब कोरोना काल का प्रकोप कम होने के साथ ही अब एक बार फिर से इस पर्व को लेकर काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है और बड़ी संख्या में हर रस्म में लोग पहुंच रहे हैं। देरीगढ़े की रस्म अदागी हो गई है, अब यहां पर रथ निर्माण किया जाएगा और 25 तारीख नवरात्रि के शुरुआत से ही फूल रथ शहर में परिक्रमा लगाई जाएगी, जिसमें माता दंतेश्वरी के छत्र को विराजमान करके पूरे शहर में परिक्रमा लगाई जाती है। अशोक नायडू, ABP News, बस्तर।